हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? सो गाइस, अभी हम नैनीताल घूमने के लिए आए थे, आपको पता ही होगा। अभी हम जा रहे हैं नैनीताल से दिल्ली की ओर, और मैंने सोचा क्यों ना एक जाने वाला ब्लॉग भी शूट किया जाए, जिसमें हम पहाड़ियों की वीडियो बनाएंगे और कुछ नज़ारे शूट करते हैं, आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, और अगर आपको वो नज़ारे पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नैनीताल की वीडियो जो देखना चाहता है, इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना दिया नैनीताल की अलग से, तो आप वहाँ पर सारी वीडियो देख सकते हैं जो उत्तराखंड नाम से प्लेलिस्ट हो जाए। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, आपको शॉट दिखाता हूँ, और लाइक करो यार, इतना कमेंट करो। तो कैसे लग रहे हैं दोस्तों सिनेमैटिक शॉट? बाकी कोशिश ये कर रहा हूँ बैन के अंदर भाई से बोल रहा हूँ, थोड़ी स्लो चलाओ गाड़ी। तो दोस्तों, ये फ़र्क है प्लेन और पहाड़ का। अभी हम बस पहाड़ से एंटर हो रहे हैं प्लेन की तरफ, और देखो ट्रैफिक का क्या नज़ारा है। तो पहाड़ी सफ़र में और प्लेन के सफ़र में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ट्रैफिक भीड़ हमें सब देखने को मिल रही है, जबकि पहाड़ में ऐसा बहुत ही कम था। तो गुड्डू, पहाड़ का सफ़र कैसा रहा? मस्त भाई, मुझे तो कोई उल्टी उल्टी आती नहीं है, सयान को आती है, मेरा तो घबराता भी नहीं है, मज़ा आता है। अपना तो सही है। अच्छा, पर ऐसा है ना, उधर वाले रास्ते तो बहुत दिक्कत परेशानी पड़ गया, काले डोंगे से अगर सीधा हम नैनीताल पहुँचते हैं अब काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि ऐसे 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 करते हुए घबराने। अगर आपको आना है ना दोस्तों, तो आपको आना है हल्द्वानी होकर नैनीताल आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस वाले जो रास्ते पर रिस्क भी ज़्यादा है, यहाँ पर आए दिन पहाड़ी गिरी हुई जब कुछ होता है, यहाँ पे आपको 40 किलोमीटर अराउंड ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ये तो ठीक है कि आपको थोड़ा घूमना पड़ जाता है, तो रास्ता बंद लेकिन थोड़ी पहाड़ी गिरी बाहर रोड है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहती। और इस वाले जो कार उड़दाम वाले साइड से निकलते हैं हल्द्वानी होकर के, तो नैनीताल जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता, डबल रोड है, और बहुत ही सही है यार, उल्टी उल्टी कुछ आती नहीं है। ठीक है, वैसे मुझे तो वैसे भी आती ही नहीं है खैर उल्टी, और इसको भी नहीं आती है, कम आती है, उस वाले को ज़्यादा आती है पीछे बैठा है। तो अगर आपके साथ कोई भी उल्टी करने वाला बंदा है, इसको आती है उल्टी, अगर कोई उल्टी करने वाला बंदा है तो आप उस साइड से मत आओ, इस साइड से आओ। ठीक है, और वैसे भी आप चाहते हैं सुकून से जाना, तब भी इस साइड से ही आओ, मज़ा आएगा हल्द्वानी होकर के। तो गाइस, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत यार कोशिश की है अच्छी वीडियो बनाने की, बाकी पता नहीं कैसी वीडियो बनी है, हमको तो पता नहीं, आपको कैसी लगी बता देना। बाकी अब हम जा रहे हैं तो जाने वाले ब्लॉग शूट करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने हल्द्वानी नहीं देखी है तो ये देख लो, हल्द्वानी में प्रॉपर हम ब्लॉग शूट करते हैं, बट इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि काठगोदाम और हल्द्वानी सेम इक्वली है, तो इसलिए हमारा इरादा फिलहाल हल्द्वानी पर शूट करने का नहीं है। हल्द्वानी का सबसे बड़ा मॉल बोलपुरे, तो अगर आप हल्द्वानी आते हैं तो इस जगह को भी विजिट करना, और यहाँ आकर के भी देख लेना। हम तो बाहर से गाड़ी से जाते जाते वीडियो शूट कर रहे हैं जितनी हो रही है। ये देखो, केजीएफ लगोगे क्या?